फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं यूनिक रेसिपी, बची हुई जो खिचड़ी होती है हम बनाते हैं, कई बार एक्सेस हो जाती है तो उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी और जल्द से बनने वाली रेसिपी आज हम सीखने वाले हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से शिल्पास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ईजी इंग्रेडिएंट्स के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप जो है खिचड़ी, यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा। ये जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार। ये है, ये जो है ये मैजिक इंग्रेडिएंट है, और अगर आपके पास ये नहीं होता है तो आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये अचार जो बनाते हैं उसका मसाला है। एज आई सेड इट्स ऑप्शनल, आप इसको गरम मसाला के साथ भी जो है सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगला है इंग्रेडिएंट है अजवाइन, और यहाँ हम पानी लेने वाले हैं हमारे बैटर को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले बाउल में हम ऐड कर लेंगे खिचड़ी, फिर उसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन, और ये हमारा जो है मसाला। जैसे मैंने कहा कि हमारा जो इसमें जो ये रहने वाला है नमक का जो टेस्ट है या क्वांटिटी है आपके स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें आधा बाउल पहले मैं डाल लूँगी, अब मैं इसे एक क्विक मिक्स दे देती हूँ। देखिए मैंने आधा कप डाला था और मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे करीबन मैंने जो है एक चौथाई कप यूज़ कर लिया है। हमें इसे आटे की कंसिस्टेंसी आने तक करना है। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करने वाले हैं, पर पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें स्लाइटली जो है पानी डालेंगे, यानी तब तक हम इसे मिक्स करेंगे जब तक हमारा जो है ये देखिए रोटी का जो बैटर है वैसा बन नहीं जाता। मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करने वाली हूँ। करीबन अभी तक मैंने, आप देख सकते हैं, 4 बड़े चम्मच मैंने पानी यूज़ किया हुआ है। इसे मैंने अच्छे से गूंद लिया है। तो चलिए अब हम जो है इसे बेलना शुरू करते हैं। मैंने जो है हाथों पे तेल लगा लिया है, अब हम इसे एक छोटी सी लोई बना लेंगे। ये देखिए मेरे, हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए तैयार जितनी हम जो है इसे आसानी से बेल पाए। तो चलिए इसके जो है बिल्कुल इसी तरह से एक छोटा सा पेड़ा बना लेना है और इसे हल्के हाथों से बेलना है। जो पहली बार ऐसा कुछ बनाते हैं उनके लिए क्विक टिप ये रहता है कि रोलिंग पिन अगर हैवी रहेगा, बड़ा रहेगा, तो हमारे लिए जो है बेलने वाला जो प्रोसेस है बहुत ईजी हो जाता है। तो चाहे आप पहली बार ही क्यों ना बना रहे हो, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आपको बस ये जो रोलिंग पिन है इसे साइड से पकड़ के इसे रोल करना है। तो ये टिप उनके लिए है जो खाना पहली बार बना रहे हैं। देखिए हमारा जो ये पराठा तैयार है, अब हम इसे सेकने के लिए तवे पर रखते थे, तवा मैंने ऑलरेडी जो है गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब इसे जो है 30 सेकेंड्स इस साइड को खोने देते हैं, तब तक अब हम, मैं आपको दूसरी बार फिर से वो जो है पराठा बना के दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइज का, छोटे से पेड़े के साइज का आकार का लेना है, इसे लेना है। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल देखिए मैंने हल्के हाथों से मैंने बेला है इसे। आप अगर ज़्यादा फोर्स करेंगे तो हमारा जो है पराठा चिपक जाएगा, और हमें आटा जो है अच्छे से, ना ज़्यादा ना कम, अगर आप इतना आटा लेके अच्छे से स्प्रिंकल करेंगे तो हमें आटे की क्वांटिटी भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट्स ऑल इन ट्रिक, यानी आप ट्रिक जितना अच्छे से यूज़ करते हैं उतना ही आसानी से आप जो है कुकिंग कर पाते हैं। ये देखिए ये दूसरा भी तैयार है, तब तक मैं जो है ये पराठा सेक लेते हैं। ये हो गए हैं 30 सेकेंड्स, इसको टर्न कर लेते हैं। अब हम जो है इस साइड पर तेल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एक यूनिक रेसिपी बनाऊं, और जो वो बनाऊं जो हम ऑलरेडी जो है हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए, तो चलिए इसी तरह जो है हम सारे पराठे सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो है बचे हुए
खिचड़ी की बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है। अगर आप जो है कभी एक्सेस में बच जाता है तो ये बहुत ही जो है जल्दी बनने वाला और हेल्दी भी है रेसिपी, तो ट्राई कीजिए। आप चाहे तो ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, जब भी आपका कुछ एक्स्ट्रा लग रहा है कि फ्रिज में एक्सेस कुछ रह गया है, खिचड़ी या चावल, तो आप बिल्कुल इस तरह से जो है रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करना ना भूलिएगा, और किसी भी तरह की अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, ईजी, टेस्टी, हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।